वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज हम और दीपाली जा रहे हैं पेंटलून्स। दीपाली को अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी थी और बस हम मन में, जब किसी के साथ शॉपिंग के लिए जाते हैं, जब अपने लिए नहीं जाते तो हम मन में ये दुआ करते हैं कि हमको कुछ पसंद नहीं आए। क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे कभी अलकमंटी के साथ गए, शोएब अप्पी की शादी में ऐसा हुआ था कि हमने दिल्ली से अपने लिए ड्रेस ले लिया था, लेकिन हम लोग यहाँ आए और अपने कज़िन के साथ गए थे उनकी शॉपिंग के लिए, लेकिन उन्होंने ले लिया था उन्हें जो लेना था। उनके लिए जब हम लोग करने गए थे तब एक ड्रेस देख लिए थे, फिर भी मन को मना रहे थे कि नहीं नहीं लेते हैं, ऑलरेडी जब दिल्ली से ड्रेस लेके आए उसे ही पहनेंगे रिसेप्शन में, लेकिन फिर भी मन नहीं माना था हमने। और ज़ेवा ने एक एक्स्ट्रा ड्रेस ले ली थी, तो दिल्ली वाला ड्रेस हम लोगों ने कहीं और यूज़ कर लिया था, जो फिर यहाँ से लिया था वो हम लोगों ने रिसेप्शन में पहना था। और ये ब्लैक शर्ट हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, इसे हमने ट्राई भी किया था लेकिन लेंथ काफ़ी शॉर्ट थी और हम ज़्यादा शॉर्ट लेंथ का नहीं वेयर करते, इसलिए नहीं लिए। थोड़ा भी इसका लेंथ होता तो इसे हम ले लेते। इसका कॉलर हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। और यहाँ पे डब्लू के सारे ड्रेसेस लगे हुए थे, तो दीपाली को ये बहुत पसंद आया था लेकिन हम नहीं लेने दिए थे। हमें ये लग रहा था कि जितना इसका प्राइस है, नियर अबाउट 4000, उस प्राइस के अकॉर्डिंग ये ड्रेस नहीं अच्छा था, तो दीपाली का पूरा मन था लेने का लेकिन हम इन्हें नहीं लेने दिए थे। ऐसा ना, ये ऐसे प्राइस देखो। हाँ, कास्ट कभी पढ़ते होते तो ये सब लेने की ख्वाहिश होती ना, सिर्फ कपड़ा लेने की ख्वाहिश रहती है ना, पढ़ाई लिखाई ज्यादा वास्ते। वो नहीं अच्छा लग रहा मुझे, तो बस ये व्हाइट वाला अच्छा लग रहा है, बस यही वाला ले लो। ले लूं नहीं, अभी क्या करूं, कोई फंक्शन नहीं, वाइट पहनती भी नहीं हूं। और फिलहाल तो दीपाली आई थी शॉपिंग के लिए लेकिन कुछ भी उन्हें नहीं पसंद आया, एक उन्हें पसंद आया तो हमें नहीं पसंद आया। दीपाली की आइसक्रीम कितनी अच्छी लग रही। दीपाली हमेशा कुछ नया ट्राई करती है, कुछ नया चक्कर में कभी कभी फंस भी जाती हूँ। पिछली बार नहीं, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या दे दिया। और अभी हम लोग फिर आ गए स्मार्ट बाजार, तो यहाँ से मेरी एक फ्रेंड आइसक्रीम सेट ले गई थी जो काफी अच्छा लगा था हमें, तो उसी को चेक करने आए हुए हम लोग।
तो यहाँ आके हम लोगों ने चेक किया तो बिल्कुल कहीं भी मिल ही नहीं रहा था। तो फिर यहाँ के हम लोगों ने एम्प्लॉयज से बात की तो उन्होंने ये बताया कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा था तो अभी वो आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन इतना ज़्यादा सेल हुआ है इसलिए दोबारा उसके आने के चांसेस हैं। तो अभी देखते हैं, हम उसे आते जाते चेक करते रहेंगे। ले लो। मैं ले लूं, मैं अपने लिए सिर्फ बनाऊं, मेरे घर वाले कहें मैं भी खाऊं तो फिर मैं किसमें खाऊं? मत खाना ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो जिस बिल्डिंग में स्मार्ट बाजार है वहीं पे मैकडोनल्ड भी है, लेकिन अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यहाँ जाने से पहले हमने और दीपाली ने डिसाइड किया था कि हम लोग आज कुछ खाएंगे। पहले हम लोग आया करते थे काफ़ी मैकडोनल्ड, तो जब यहाँ पे आए थे यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का काम चलने की वजह से बंद था। और यहाँ पे इस बिल्डिंग के बाहर एक फुल्की लगाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी फुल्की उनकी रहती है। तो अभी हम लोग फुल्की इन्जॉय करेंगे, उसके बाद जाएँगे घर। तो अभी एक और पार्सल आ गया है, तो हमने अलीना के लिए ड्रेस ऑर्डर की थी वो आ गई है। चलिए इसको देखते हैं कैसी है ये। हम लोगों को ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, मतलब बिल्कुल जैसा दिखाया गया था सेम वैसा दिया था इन्होंने, और फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा था। तो हम चेक करते रहते थे काफ़ी ड्रेसेस हमने देखा था, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। वैसे हम लोग किड्स की शॉपिंग करते ही नहीं थे, तो दीपाली आई हुई थी, फिर हम दोनों ने इसे ही चूज़ करके ऑर्डर किया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अलीना के एडमिशन के लिए। हम गए थे फॉर्म वगैरह ले आए थे, तो स्कूल में बोला गया था कि 8 को आना है, तो फिर आज एडमिशन हो जाएगा। तो बस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। यहीं से बोल लूं? हाँ। अभी 12 नहीं बजे होता। फॉर्म वगैरह हम घर से फिल करके लाए थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे सबका जेरोक्स, और अभी बस हमने फॉर्म सबमिट करके फीस पे कर दिया है। और ये है अलीना का क्लासरूम। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं कटरा। तो हम लोगों ने रील में इस शॉप के बारे में देखा है, लेकिन यहाँ आने पे कुछ भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया। जो चीज़ें ऑनलाइन हम लोगों ने देखी है, जो हम लोगों के विश लिस्ट में है, तो वो यहाँ पे ऑनलाइन से भी ज़्यादा कॉस्टली थी, तो बिल्कुल नहीं समझ में आया। हम लोग रील देख के आए थे, तो रील में तो कुछ ज़्यादा ही, एक पेज है जिसे हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन दो बार हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक बार हम लोग एक लोकेशन बहुत ढूंढते गए थे, वो काफ़ी अंदर था और वो बंद भी था। और आज फिर दूसरी बार ये हुआ कि जिस प्राइस में ऐड था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो अभी दीपाली बहुत कोशिश कर रही थी कि वो कुछ ले ले, लेकिन प्राइस, मतलब जो कपड़ा है उससे बहुत ज़्यादा प्राइस था, तो इस वजह से यहाँ से भी कुछ नहीं लिया हम लोगों ने। आजकल हम लोगों की सिर्फ विंडो शॉपिंग हो रही है।
और इसके बाद हम लोग आ गए थे अलीना का ड्रेस लेने के लिए। टाई वाई तो नहीं रहती है। पीछे घूमोगे? पीछे हो। अरे साइज बहुत बड़ा है, देख लीजिए साइज। इससे पहले जब हम लोग ट्यूसडे को आए थे तो मिक्सी का जार नहीं बन पाया था क्योंकि जो वर्कर थे वो नहीं आए हुए थे। आज हम लोगों को इस शॉप के बारे में पता चला, यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान रिपेयर होते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग आए हैं और जार भी बन गया है। और आज अलीना के स्कूल का फर्स्ट डे, अलीना स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई हैं। हम अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।